अपना नाम बोलिए और मस्जिद एक खाना अलोंग विद कब्र एक पोस्ट ऑफिस जिना बाजार, इस मस्जिद का मसला क्या है उस बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अफजल अहमद ख़ान है और मैं पैदाइश मेरी इसी महल्ले की है और मैं मतलब बचपन से मस्जिद का छोटे मोटे काम वगैरह देखा करता था, लेकिन अभी मसला ऐसा हुआ था कि मस्जिद की जो वर्किंग थी वो थोड़ा सा हमारे से मतलब उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वर्किंग हो रही मस्जिद में। बहुत सारे इश्यूज़ थे, मस्जिद की ज़मीन के लेके इश्यूज़ थे। ये मस्जिद की जगह जो थी 6000 स्क्वायर फीट गजट पे है नोटेड, लेकिन उसमें ये है कि मस्जिद की जो अभी पोजीशन में जगह है वो 2064 स्क्वायर फीट ही है। तो ऐसे बहुत सारे और मसले थे जो हम लेके पहले हमारे बड़ों के पास गए, उन्होंने कुछ हमको रिप्लाई नहीं दिया, कुछ उसमें मतलब हमको मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो हम औकाफ बोर्ड गए। तो वहाँ ये मालूम पड़ा कि कोई कमेटी नहीं है मस्जिद में। 2009 तक मस्जिद में कमेटी थी और वो बर्खास्त हो गई। तो उसके बाद हमने फिर हमारी एक नई स्कीम डाले 2020 में और अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में हमारी कमेटी का अप्रूवल हो गया औकाफ बोर्ड से। उसमें हियरिंग भी हुई, बोर्ड मेंबर के सामने दो हियरिंग हुई हमारी, फिर उसके बाद हमारा आगे प्रोसेस बढ़ा। आप किस तरीके से काम करेंगे आप मस्जिद में? अभी तो देखिए जो मस्जिद के मसले हैं, इंशाल्लाह पूरे महल्ले वालों से मिल के बातचीत करके सबकी राय मशवरे से हम जो भी है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद की फलाई के वास्ते जो काम हो सकता है इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि हम वो पूरा करें। मस्जिद की जो मुख्तलि जो लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, और मोहल्ले वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? महल्ले वालों को भी यही पैगाम देना चाहेंगे कि भाई हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं मस्जिद के लिए, ये हमारे अकेले की नहीं है, आप लोग सबकी दुआएँ उसमें शामिल है और आप लोगों का सबका साथ है, यहाँ तक अल्लाह ताला ने हमको पहुँचाया। तो हम महल्ले वालों से यही बोलना चाहेंगे कि भाई आप आगे भी हमारा साथ दें, आगे भी हमारी हिम्मत अफजाई करें कि हम आगे और बढ़ चढ़ के इसको और आगे लेके जाएं। आगे का आपके लाए अमल का एजेंडा क्या रहेगा? ये फैसले का हम वक्फ बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वक्फ बोर्ड के जितने मेम्बर्स हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब है वजादुल्लाह साहब, फौजिया मैडम, इम्तियाज़ जलील साहब, मुदस्सिर लांबा साहब, एयू पठान साहब, काजी साहब, हम सब मेंबर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ैसला दिया। जो मस्जिद के मसाइल थे उसको तफसील से सुना, उस पर उनकी राय भी रखे, मशवरा भी बराबर हुआ। और हमारा आगे का यही पैगाम होगा कि वक्फ बोर्ड के जितने नॉर्म्स है हम उसको पूरा फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड की स्कीम्स के जो गाइडलाइंस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें मकतब की बात शामिल है, जुमे के नमाज की बात शामिल है, आप महल्ले को कैसे जोड़ के रखेंगे वो चीज़ें हैं उसमें। तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो सारी जो बायलॉज है वक्फ बोर्ड के वो गाइडलाइंस है उसको लेके चले। साथ ही साथ थोड़ी सी एक ब्रीफिंग ये भी देना चाहेंगे कि जो हमारा ग्रुप है, जो कमेटी है हमारी, वो महल्ले में कुछ सोशल वर्क भी करती है, जैसे कि हमारा इसी नाम से एक NGO है और हम उसमें मंथली महल्ले में ग्रॉसरी क्रिट्स देते हैं या सोशल एक्टिविटीज़ और जो करते हैं, तो उसको भी इससे जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि महल्ला एकजुट हो और मस्जिद के अंदर में, मस्जिद की रहनुमाई में और सारे महल्ले के साथ हम मिलके इसको आगे कर सकें, काम जो मस्जिद के दीनी काम है उसको आगे अंजाम दे सकें। नायब भाई, और आखिरी सवाल है कि आपकी कमेटी में कितने मेंबर जुड़े हुए हैं आपके साथ है? हमारी कमेटी में 7 मेंबर है, अभी आपके सामने 6 है, एक मेंबर नहीं है। ये सारे महल्ले के ही लोग हैं, महल्ले के मस्जिद के मुसलियान हैं और यहीं के हैं, महल्ले के हैं। दीन के काम करने का जज्बा है, मस्जिद के ताल्लुक से जुड़ के काम करने की कोशिश करते हैं और सबसे उम्मीद ये करते हैं कि जितने महल्ले के लोग हैं, जितने बड़े हैं, उनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम ये सारे काम करेंगे।